राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक होता दिख रहा है। इसकी वजह है बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को लेकर एक पोस्ट किया। इसके जवाब में पहले सचिन पायलट ने फैक्ट से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अमित मालवीय आपके तथ्य और तारीखें गलत हैं। वहीं सचिन पायलट के पिता पर बीजेपी नेता की पोस्ट पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता राजेश पायलट का अपमान करके भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। सबसे पहले जानते हैं अमित मालवीय ने क्या लिखा। दरअसल अमित मालवीय ने दावा किया था कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिनमें 5 मार्च 1967 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बमबारी की गई थी। इसका जवाब देते हुए सचिन पायलट लिखते हैं, आपके पास गलत तारीखें हैं, गलत तथ्य हैं। हाँ, भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बम गिराए थे, लेकिन वह 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर, ना कि जैसा कि आप दावा कर रहे हैं 5 मार्च 1967 को मिजोरम पर। इन सब के बाद इस पूरे प्रकरण में एंट्री होती है अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत ने अमित मालवीय का जवाब देते हुए लिखा, कांग्रेस नेता राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे, उनका अपमान करके बीजेपी भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है, इसकी पूरी देश को निंदा करनी चाहिए। गहलोत के ट्वीट पर बीजेपी आईटी सेल की चीफ अमित मालवीय ने गुरुवार को पलटवार करते हुए सचिन पायलट को बेइज्जत करने का आरोप लगाया। आइजोल बमबारी विवाद के बीच अमित मालवीय ने फिर सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच सियासी झगड़े और तल्ख बयानबाजी को रिकॉल कर दिया है। पिछले 3 दिन से आइजोल बमबारी को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है। मालवीय के ट्वीट पर सबसे पहले 14 अगस्त को सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए सवाल उठाए। आपको बता दें कि सचिन पायलट का सपोर्ट अशोक गहलोत ने किया है। लोग अब इसे लेकर अटकलें लगाने लगे हैं कि दोनों के बीच जो भी विवाद चल रहा था वो खत्म हो चुका है। दरअसल दोनों के बीच 2019 से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। वहीं पायलट कई दफा गहलोत के खिलाफ बगावत भी कर चुके हैं। दोनों एक दूसरे पर हमला बोलते हुए भी अक्सर दिखाई देते हैं। यूं तो कांग्रेस आलाकमान ने दोनों के बीच गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सफलता कुछ खासी हाथ नहीं लगी थी। इसी बीच चुनाव से पहले गहलोत का पायलट को समर्थन देना एक कदम है जो पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जा रहा है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत भी माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।